ताले से जान बचाकर आसमा भागी सरहद पार। सरहद पार में कौन करेगा आसमा को सपोर्ट? कल इस टीवी शो डारियां के एपिसोड में जैसा कि हमने देखा कि आलिया आसमा को मारकर जमीन में दफना देती है। आलिया को अब तक ये नहीं पता होता है कि आसमा जिंदा है या नहीं। इत्तेफाक की बात तो ये है कि जिस जगह पर आलिया ने आसमा को दफनाया था वहां पर अरमान आया था। अरमान को एहसास होता है कि आसमा आसपास है, लेकिन फिर भी अरमान आसमा को ढूंढ नहीं पाता है। इसके बाद होता कुछ यूं है कि आसमा जमीन से बाहर निकल जाती है और आसमा आलिया से जान बचाकर भागने लगती है। भागते भागते आसमा सरहद पार पहुंच जाती है और वहां पर भी आसमा की जान खतरे में है, क्योंकि आसमा एक ऐसे इलाके में पहुंच चुकी है जहां पर कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है और सड़क पर सरेआम किया जा रहा है कत्लेआम। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि दूसरे देश में आखिर कौन बनेगा आसमा का सहारा। क्या अरमान को पता लग पाएगा कि कहाँ है आसमा? आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और साथ ही टेलीविज़न से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।